नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लाइफ इज अ गिफ्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे परशुराम महादेव गुफा मंदिर के बारे में, जो मेवाड़ में स्थित है। टांगीनाथ धाम, जहाँ पर है भगवान परशुराम का फरसा। आरावली की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित परशुराम महादेव गुफा मंदिर का निर्माण स्वयं परशुराम ने अपने फरसे से चट्टान को काटकर किया था। इस गुफा मंदिर तक जाने के लिए 500 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। इस गुफा मंदिर के अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग है, जहाँ पर विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने भगवान शिव की कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तपस्या के बल पर उन्होंने भगवान शिव से धनुष्य, अक्षय, तुनीर एवं दिव्य फरसा प्राप्त किया था। हैरत अंग्रेज वाली बात यह है कि पूरी गुफा एक ही चट्टान में बनी हुई है। ऊपर का स्वरूप गाय के थन जैसा है। प्राकृतिक स्वयंभू लिंग के ठीक ऊपर गोमुख बना है, जिससे शिवलिंग पर अविरल प्राकृतिक जलाभिषेक हो रहा है। मान्यता है कि मुख्य शिवलिंग के नीचे बनी धुनी पर कभी भगवान परशुराम ने शिव की कठोर तपस्या की थी। इसी गुफा में एक शिला पर एक राक्षस की आकृति बनी हुई है, जिसे परशुराम ने अपने फरसे से मारा था। दुर्गम पहाड़ी, घुमावदार रास्ते, प्राकृतिक शिवलिंग, कलकल करते झरने एवं प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत होने के कारण भक्तों ने इसे मेवाड़ के अमरनाथ का नाम दे दिया है। परशुराम महादेव का मंदिर राजस्थान के राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर स्थित है। मुख्य गुफा मंदिर राजसमंद जिले में आता है, जबकि कुंडधाम पाली जिले में आता है। पाली से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर और विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग से मात्र 10 किलोमीटर है। इस स्थान से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार भगवान बद्रीनाथ के कपाट वही व्यक्ति खोल सकता है जिसने परशुराम महादेव के दर्शन कर रखे हो। एक अन्य मान्यता गुफा मंदिर में स्थित शिवलिंग से जुड़ी है। गुफा मंदिर में स्थित शिवलिंग में एक छिद्र है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें दूध का अभिषेक करने से दूध छिद्र में नहीं जाता, जबकि पानी के सैकड़ों घड़े डालने पर भी वह नहीं भरता और पानी शिवलिंग में समा जाता है। इसी जगह पर परशुराम ने दानवीर कर्ण को शिक्षा दी थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल लाइफ इज अ गिफ्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।